लेकिन जो हमारे मन में डर पैदा हो गया है, घूंघट हटेगा तो पता नहीं कितना अनर्थ हो जाएगा। जहाँ भी कल्याण की बात है, जहाँ भी कुशल कर्मों की बात है, जहाँ भी श्रेष्ठ जीवन की बात, वो सब धम्म में ही है। वज्र और श्रामनेर का अर्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो बुद्धिज्म जानना तो चाहते हैं लेकिन उनको वर्ड्स जो हैं, जो शब्द है वो उसमें उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे साथ भंते जी करुणाशील हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले भंते जी, नेशनल दस्तक की ओर से आपको बंदामी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। भंते जी, जिस तरीके से आपने शिविर का आयोजन किया है, सबसे पहले आपने जो थीम दिया है श्रामनेर, पवज्जा एवं ध्यान साधना, इसका अर्थ बताइए। देखिए, जो पवज्जा है ये पाली भाषा का शब्द है, गृह त्याग करके जब अपने घर से निकल जाता है तो उसे हम पवज्जित होना बोलते हैं। तो पवज्जा का मतलब है गृह त्याग करके एक विरक्त जीवन बिताना। और समण जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता थी, जो आदमी परिव्राजक बन जाता है, मतलब पवज्जा के बाद उसे परिव्राजक बोलते हैं, तो उसको हम समण बोलते हैं, वो हमारी समण सभ्यता थी। तो सामने शिविर वो व्यक्ति जो समण बन करके जी रहा है, सीख रहा है, उसे सामने बोलते हैं। और ध्यान साधना ही है। तो ये चूँकि हमारी विरासत का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, तो हमें उन्हीं शब्दों को उपयोग करना चाहिए। जैसे आप श्रामनेर बोलते हैं, ये वास्तव में श्रामनेर नहीं है, सामनेर है। सामनेर वो हिंदीकरण होते होते इसका नाम, इसको श्रामनेर बनने लगे, वैसे सामनेर है ये जी। तो बंदे जी, आप बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म की परिभाषा कई बार लोगों को नहीं समझ आती है, तो आप साधारण शब्दों में बताइए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी समझ पाए और एक आईएएस जज कलेक्टर भी समझ पाए बौद्ध धर्म एक्चुअल में है क्या। कई बार लोग बौद्ध धर्म अलग और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए, जो बुद्ध और उनका धर्म, बाबा साहब का लिखा हुआ हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें एक पूरा अध्याय है, उसमें लिखा है धर्म जो है वो नितांत व्यक्तिगत है। जैसे व्यक्ति की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, आस्था है, विश्वास है, जो सब चीज़ें व्यक्ति से जुड़ी हैं और व्यक्ति उनका अनुसरण करता है, उन्हें धारण करता है, एक सामान्य परिभाषा में उसे धर्म कहा जाता है। धर्म नितांत व्यक्तिगत है, लेकिन जब हम धम्म की बात करते हैं, जहाँ भी दो व्यक्ति होंगे तब धम्म की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि तथागत ने कहा है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही धम्म है। जहाँ दो व्यक्ति होंगे वहाँ संबंध होंगे, संबंध होंगे तो अच्छे होंगे तो धम्म है, और संबंध बुरे हैं तो अधम है। ये सधम और अधम की बात जब हम करते हैं, तो धम्म का सीधा सा मतलब है कि जब हम समूह में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो सामाजिकता का दूसरा नाम ही धम्म है, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जीवन के लिए कल्याणकारी मार्ग है, दूसरों को सुख देने वाला मार्ग है, अज्ञानता से बाहर निकलने का मार्ग है, जो तथागत ने हमारे कल्याण के लिए दिया है, उसका अनुसरण करना, उसे आचरण में उतारना ही धम्म है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। धम्म एक सामाजिक वस्तु है, धर्म नितांत व्यक्तिगत है, और धम्म अच्छे संबंध का आधार धम्म में है। क्योंकि बौद्ध धम्म में धम्म का जो केंद्र है वो मनुष्य है। ये मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, वो सारे धर्म, उनका कोई ना कोई जो केंद्र है वो सर्वोच्च सत्ता है। जैसे इस्लाम में अल्लाह है, खुदा है, सर्वोच्च शक्ति है, और ईसाइयत में परमेश्वर है, हिंदुओं में ईश्वर है, सिखों में वाहेगुरु है, तो सबका कोई ना कोई सुपर पावर है, केंद्र। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि मेरे धर्म का केंद्र मनुष्य है। इसलिए जब केंद्र ही मनुष्य है, तो मनुष्य के कल्याण से जुड़ी हुई हर बात ही धर्म में है। इसके अलावा धर्म कोई और नहीं, नैतिकता, सदाचरण, अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार, यही धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई यहाँ आडंबर, कल्पना या कोई डर या लोभ ये नहीं होता धम्म में। तो यही धम्म की परिभाषा है साधारण शब्दों में। मतलब कि मनुष्य की अगर हम अच्छे जीवन की कल्पना करें तो उसको धम्म से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जहाँ भी कल्पना सुंदर होगी, जहाँ अच्छी होगी,
जहाँ कल्याणकारी होगी, दूसरे का भला करने वाली होगी, किसी का अहित ना हो, ऐसी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें धम के बिना हो ही नहीं सकती। जहाँ भी कल्याण की बात है, जहाँ भी कुशल कर्मों की बात है, जहाँ भी श्रेष्ठ जीवन की बात है, वो सब धम में ही है। क्योंकि मैं ये बात बताना चाहूँगा, धम के दो आधार स्तंभ हैं, एक प्रज्ञा है, दूसरा करुणा है। प्रज्ञा का मतलब है अज्ञानता से बाहर निकलना। अज्ञानता, अंधविश्वास, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, जितने भी चित्त के विकार हैं, जितने भी अज्ञानता के द्वार हैं, उनसे बाहर निकल जाना। तो पहला आधार स्तंभ तो यही कि आदमी इनसे बाहर निकल करके स्वतंत्र हो जाए। और दूसरा है करुणा। करुणा का मतलब है कि दूसरे के कल्याण के लिए जब हम अपनी सेवा भावना से काम करते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो उसे अपना बनाते हैं, किसी को दुखी देखते हैं तो उसके लिए सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, इस भावना का नाम ही करुणा है। तो दो चीज़ें धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रज्ञा यानी कि अज्ञानता से मुक्त हो जाए, किस प्रकार का कोई भय ना हो, किसी प्रकार का कोई लोभ ना हो, किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, ये सब प्रज्ञा में आते हैं। और प्रज्ञा में आने के बाद ही जब हमारी बुद्धि निर्मल होती है तब हम सुखी होते हैं, सुखी होते हैं तब बुद्धि निर्मल होती है, ये बिना प्रज्ञा के नहीं संभव होता। दूसरा करुणा, समाज का आधार ही करुणा हो जाए, करुणा से ही मैत्री विकसित होती है और मैत्री से हम सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने लगते हैं। तो यह समाज को जोड़ने की जो बात शुरू हो जाती है, करुणा मैत्री जो है, ये दो आधार स्तंभ है। इसलिए धम्म जीवन के लिए, सामाजिकता के लिए नितांत आवश्यक है। क्या बुद्ध की शिक्षा है, वास्तविकता की अगर हम बात करें तो वो राजनीति में या सामाजिक रूप से उतनी सक्षम होंगी जितना कि बुद्ध के समय से चलती आ रही है? देखिए, राजनीति क्या है? राजनीति जो नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए एक शासन व्यवस्था है। अगर वो शासन व्यवस्था धर्म के आधार पर चलती है, लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, जैसे भारत में लोकतंत्र है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, वो संविधान की मूल भावना ही जन कल्याण पर आधारित है। क्योंकि सरकार जन कल्याण के लिए, और जो भी काम जन कल्याण के लिए है, चाहे वो राजनीतिक काम है, भले सामाजिक काम है, धार्मिक काम है, किसी प्रकार का भी काम है, जहाँ भी जन कल्याण है वहाँ धम्म है। और बिना बुद्ध की शिक्षाओं के जन कल्याण का काम हो ही नहीं सकता। पहले भी शासन व्यवस्थाएं थी, राजशाही थी, राजा शासन करते थे, लेकिन राजाओं के शासन में कल्याण नहीं था, वो जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करते थे। वो राजा अपनी सुरक्षा के लिए काम करता था, अपने सुख के लिए काम करता था, अपने ऐश्वर्य के लिए काम करता था। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब के लिखे संविधान की मार्फत जन कल्याण की बात की, क्योंकि बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं इसलिए कल्याण की बात है, जन कल्याण की बात है तो बुद्ध का ही शासन है। आपने सुना और पढ़ा भी होगा, तथागत ने वज्जियों को जो उपदेश दिया था, अजात शत्रु ने जो तथागत से पूछा, एक अपना सेवक भेज करके, वजीर भेज करके, कि वो वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है, उन्हें विश्वास है कि वो अपनी सेना से युद्ध लड़ेंगे, सेना साथ युद्ध लड़ेंगे तो जीतेंगे और वज्जियों का नाश कर पाएंगे। तो बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, कि बुद्ध ने आनंद से पूछा, हे आनंद, मैंने वज्जियों को जो उपदेश दिया था, जो सात बातें बताई थी, क्या वज्जी उसका उपयोग पालन करते हैं? तो आनंद ने कहा कि तथागत, मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी है कि वज्जी लोग आपके दिए हुए उपदेश का पालन करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, यदि वज्जी लोग उस उपदेश का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी राज्य की सीमाएं सुरक्षित होंगी, सेना मजबूत होगी, लोगों में भाईचारा बना रहेगा और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। 17 साल तक अजात शत्रु वज्जियों पर आक्रमण नहीं कर पाया, बुद्ध के उपदेश की वजह से। तो बुद्ध का उपदेश राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के संदर्भ में हम सोचते हैं राजनीति का मतलब तो सब गलत सलत हो गया, लेकिन राजनीति का सही मकसद तो जन कल्याण था। अगर बुद्ध की बात समझ में आ जाए तो राजनीति भी बहुत सुंदर हो जाए। और हम तो कामना भी ये करते हैं कि बुद्ध के शासन में राजनीति जनता के कल्याण के लिए हो जाए। तो जहाँ राजनीति है वहाँ बुद्ध भी हैं, जहाँ बुद्ध हैं वहाँ राजनीति भी है, लेकिन कल्याण का मतलब ही राजनीति है। जैसे कि आपने अभी कहा कि भारत की जो राजनीति है वो दूसरे तरीके की है, और हम परिवार की बात करें, समाज की बात करें, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है,
किसी भी स्तर की अगर हम बात करते हैं तो शायद मानव और मानव एक दूसरे से परे होते जा रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर हम माँ बेटे की बात करें, पति पत्नी की बात करें और राजनीति की बात करें, एक दूसरे की पार्टियाँ, एक दूसरे की बुराइयाँ करने में, क्या साधना जो है, साधना का जो रोल है जीवन में वो बेहद ज़रूरी है कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इन तीनों स्तर पर, समाज की बात करें, परिवार की बात करें, चाहे राजनीति स्तर की बात करें? देखिए, ध्यान साधना क्या है? ध्यान साधना के माध्यम से हम धम्म को ही समझ रहे हैं। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, देश में महिलाएं घूंघट करती हैं, ना तो ये महिलाओं की उपयोगिता की बात है, ना पुरुषों के उपयोग में आने वाली बात है, लेकिन एक परंपरा स्थापित हो गई और हमारे मन में स्थापित हो गई। महिलाएं घूंघट इसलिए नहीं हटाना चाहती कि लोग क्या कहेंगे, पुरुष इसलिए नहीं हटवाना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। वही तो लोग हैं और वही करने वाले हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। समाज कोई अलग नहीं है, समाज भी वही है, लेकिन जो हमारे मन में डर पैदा हो गया, घूंघट हटेगा तो पता नहीं कितना अनर्थ हो जाएगा, यही अज्ञानता है। अब ध्यान साधना में आने के बाद आदमी समझ जाता है ये अज्ञानता है, और समझ में आ गई अज्ञानता है, चित्त के लेवल पर जाकर समझ जाते हैं तो वो निर्भय हो जाता है, उसे घूंघट हटवाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए, महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, अब चूड़ी टूट जाए तो अब शकुन मानती हैं, पैर में बिछिया पहनती हैं, कोई भी व्यक्ति साधारण सामान्य रूप से वो हटवा नहीं सकता क्योंकि मन में डर व्याप्त है। ऐसे पुरुषों के अंदर भी, जैसे हम घर से निकले, अच्छे काम के लिए निकले थे, कुत्ते ने कान फड़फड़ाए, अब कुत्ते का हमसे कोई संबंध नहीं है, कुत्ता अपनी सुरक्षा में काम कर रहा है, मक्खी ने काटा होगा, मक्खी बैठी होगी, उसे सुरक्षा के लिए कान हिला रहा है और डर हम रहे हैं। घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये एक सामान्य घटना है, बिल्ली अपना रास्ते पे चल रही है, हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन हम डर गए, बिल्ली डरती नहीं है, हम डर रहे हैं, किसी को छींक आ गई, हम डर गए, ये अज्ञानता है। तो ध्यान साधना के माध्यम से जब हमें पता लगता है कि ये अज्ञानता है, ये तो विकार है, इसका मेरे काम से, जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, तब आदमी निर्भय होने लगता है, डर खत्म होने लगता है। तो ध्यान साधना धम्म को आचरण के लेवल पर समझने में बड़ी सहायता करती है। और इतना ही नहीं, प्रज्ञा का द्वार खुलता है, जब हम अज्ञानता का नाश करते हैं, ठीक से देखने लगते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि चित्त की निर्मलता, चित्त निर्मल होता है तब हमें समझ में आता है कि अब मैं प्रज्ञा में प्रवेश कर रहा हूँ। हम अभी तक ये मानते रहे हैं प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है, जबकि ज्ञान का प्रज्ञा से कोई संबंध नहीं है। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है लेकिन वो आरती उतार के करता है, शुभ मुहूर्त देख के करता है, तो वो वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर इलाज करता है, जानता कि बीमारी क्या है, इलाज दवा है, वो फिर भी RX लिखता है कि आई एम ट्रीटिंग बट ही क्योर्स, ये अज्ञानता अविद्या है, बट इट इज़ ए ट्रेडिशन। अब लोग ट्रेडिशन को ही मानते रहते हैं, बौद्धिक लेवल पर केवल ध्यान साधना से समझा जा सकता है। तो ये जो प्रयोग चल रहा है, ये जो साधना है, ये बड़ी कल्याणकारी है। हम बातों से लोगों को नहीं समझा सकते, लेकिन जब आदमी अनुभव करता है ध्यान साधना के माध्यम से, जो चित्त को देखता है, अपने विकारों को देखता है, तब समझ में आता है कि मैं अज्ञानता में हूँ, मैं अंधकार में हूँ, और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसलिए वास्तव में ध्यान साधना धम्म को समझने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। आप लंबे अरसे से समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं, और मैंने कहीं आर्टिकल में पढ़ा था आप शायद बेसिकली एक सर्जन थे, एक वेटरनरी सर्जन। हाँ, तो वो दौर कैसा रहा आप? चलो मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ कौन व्यक्ति क्या बनता है उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, माँ बाप की इच्छा होती है, माता पिता की इच्छा होती है मेरा बेटा ये बन जाए। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, MBBS बनूं, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ, मैं नहीं बना। वेटनरी में दाखिला हो गया तो मैं वेटनरी की पढ़ाई के लिए चला गया। अब मुझे भी नहीं पता था बनना क्या है, बस घर वालों की इच्छा थी, हम पढ़ते चले गए। उसी दौरान मैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में थी, वहाँ पढ़ता था, तो हम सेकंड ईयर में थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी की मूवमेंट से जुड़े हुए थे, बहुजन संगठक पढ़ते थे, बांटते भी थे।
छात्र संगठन में भी काम करते थे, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट में काम करते थे। कॉलेज की तरफ से हम ट्रेड फेयर देखने के लिए आए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से लेकर आते थे हर साल, तो हमारी इच्छा थी कि हम साहब से ही मिलें, ट्रेड फेयर तो फिर देख लेंगे। तो हरियाणा से जब आते हैं, रोहतक रोड बोलते हैं, करोल बाग में से ही बस आती थी, अब तो वहाँ से नहीं आती बस। मुझे पता या था, हम चार मित्र चारों करोल बाग में उतर गए और जो बसपा का कार्यालय था वहाँ कार्यालय में पहुँच गए, साहब नहीं थे। हम डेढ़ घंटे तक वहाँ बैठे रहे, फिर साहब आए, मुलाकात हुई, जय भीम नमो बुद्ध, जय भीम किया। तो परिचय लेते समय साहब ने कहा कि नौजवानों क्या कर रहे हो, हमने कहा कि हम कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के स्टूडेंट हैं। तो साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या डंगर डॉक्टर बन रहे हो, क्योंकि पंजाब में पशुओं को डंगर कहा जाता है, क्या डंगर डॉक्टर बन रहे हो? हमने कहा हाँ साहब, डंगर डॉक्टर बन रहे। तो साहब ने कहा कि चार पैर वालों का ही इलाज करोगे या कभी दो पैर वालों का भी करोगे? सारे एकदम से चुप। अनायास मेरे ही मुँह से निकला कि साहब पढ़ तो चार पैर वालों को रहे हैं, इलाज दो पैर वालों का करेंगे। अब नहीं मालूम था कि कैसे करेंगे, कह दिया, लेकिन वो बात हमेशा दिमाग में रही कि दो पैर वालों को इलाज कैसे करेंगे, पढ़ा तो चार पैर वालों का इलाज है, दो पैर वालों का कैसे करें? क्योंकि सामाजिक काम करते थे, मिशन का काम करते थे, राजनीति में भी काम करते थे, नौकरी भी लग गई, चाहते भी नहीं थे, फिर नौकरी लग गई। अनायास ही मुझे कहीं से पता लगा कि नागपुर में भंते नागार्जुन सुरेश ससई के नेतृत्व में श्रामणेर शिविर लग रहा है, वहाँ चीवर होंगे। मैंने सोचा चलो मैं भी चीवर लेता हूँ, मेरे साथ और लोग भी तैयार हो गए, इस कैंप में भी हैं पांच सात वो लोग, उन्होंने कहा चलो हम भी चलेंगे। तैयार मैं हुआ था, लेकिन 35 लोग तैयार हो गए। अब चूँकि उन सब में मैं ही अकेला था जो नौकरी करता था, तो हमने सोचा कि अगर सभी लोग चलेंगे तो बहुत पैसा लगेगा, इतना किराया कहाँ से लेके आएंगे। हमने सोचा हम यही कैंप लगा लेते हैं, तब किसी की सहायता लेकर हमने कैंप लगा लिया। वो 7 दिन का कैंप था, 1 अक्टूबर को 2006 में मैंने चीवर लिया, 2007 से कैंप लगा और 8 को ख़त्म हो गया। 8 तारीख को सभी लोग चले गए, चीवर उतारते समय मैंने कहा भी मैं 1 महीने तक चीवर में रहूँगा, यद्यपि मैं नौकरी में था। तो 8 लोग और थे, उन्होंने कहा जी हम भी 1 महीने रहेंगे। बस 8 तारीख को हम सोए और 9 तारीख को सुबह पता लगा कि साहब दुनिया में नहीं रहे। हम वहीं से ही दिल्ली आए, वहाँ से फिर निगम बौद्ध घाट पर गए। जब साहब का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो हम ही सब लोग थे, हम 9 श्रामणेर तो पलवल से ही थे, 5-7 भिक्खु और थे। तो वो अवसर हमें मिला साहब को अंतिम विदाई देने का। उससे पहले बत्रा हॉस्पिटल में बहुत बार कोशिश की, हम नहीं मिल पाए थे, लेकिन आखिरी जन्मदिन पे हमने दर्शन भी किए। जब उनको चिता पर लिटाया जा रहा था तो उस समय मुझे वही बात याद आ रही थी कि चार पैर वालों का इलाज करोगे या दो पैर वालों का भी करोगे। तो मुझे लगा कि चीवर पहन करके ही दो पैर वालों का इलाज किया जा सकता है, इसके अलावा तो दोबारा पढ़ाई तो की नहीं जा सकती। बस उसी समय फैसला किया, अब 1 महीने के लिए नहीं, अब सदा के लिए चीवर में रहेंगे। और उसी के बाद फिर मैं भिक्खु बन करके काम करने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे वास्तविक अनुभव शेयर किया। एक आखिरी बात, आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को ऐसा क्या बात कहना चाहेंगे, बुद्ध की शिक्षा जो सामाजिक कुरूतियाँ जो उसके साथ हो रही हैं, जो उसकी गुलामी की जो बेड़ियाँ बनी हुई हैं उससे वो निकल पाए? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बुद्ध के धम्म के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। बस ईमानदारी से बुद्ध के बातों को आचरण में उतार ले, जैसे जैसे बाबा साहब ने कहा वैसा हम करने लग जाएं, पिछली रूढ़ियों को गलत परंपराओं को त्याग करके ही हम बौद्ध बने, और धम्म में आते हुए जाति को साथ ना लेकर के आएँ, जाति को परंपराओं को मान्यताओं को उत्सवों को धम्म में ना लेकर के आएँ, ईमानदारी से बौद्ध बने। बाबा साहब का भी बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना का जो सपना था साकार होगा, मान्यवर साहब कांशीराम जी का भी जो स्वप्न था सम्राट अशोक का भारत बनाने का वो भी साकार होगा।
और हमारे भी प्रयास सार्थक होंगे इस मिशन के लिए, इस मकसद के लिए हम भी काम आ सके। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बौद्ध बने तो ईमानदारी से बने और पुरानी परंपराओं को, पुराने त्योहारों को, पुरानी बातों को, पुरानी मान्यताओं को अपने साथ लेकर के ना आए। शुक्रिया बंदे जी हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। दर्शकों को भी सब मंगल कामनाएं, भावत सब मंगल। ये भंते जी थे जिनसे हमने बातचीत की। यहाँ पे 11 दिन का शिविर आयोजन था और उससे रिलेटेड हमने बात की। इनका साफ तौर से कहना था कि मानव का अगर कल्याण वाकई में होना चाहिए तो उसके लिए बौद्ध धर्म में आना ज़रूरी है। बौद्ध धर्म का मतलब धर्म अपनाने से नहीं है, उनकी मानवता की जो श्रेणी है, जिस तरीके से उनके अष्टांगी मार्ग है, फोर नोबल ट्रूथ का पालन करना चाहिए, सच्चाई से व्यक्तिगत तौर पर हमें साझा होना चाहिए और जीवन की क्या सच्चाई है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इंसान को इंसानी तौर से काम करना चाहिए। मानवता, समानता, इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी चाहिए, ना कि धर्म के आडंबरों में, पाखंडवाद में, तीस त्योहारों में फंस कर, तभी मानव का कल्याण हो पाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।